class of standard first. In our last video, we have completed different parts of a computer in lesson number 3. So today we are going to start our lesson number 4. The friendly mouse. आज हम लर्न करेंगे माउस के बारे में. ओके, डू यू नो हाउ द माउस गॉट इट्स नेम? ये माउस है, उसको उसका नेम कैसे मिला, क्या आपको पता है? नाउ लुक एट हियर, ये क्या है? यस, इट इज अ माउस. ओके, तो जो एनिमल वाला माउस है और ये कंप्यूटर वाला माउस है, वो दोनों सेम जैसे दिखाई देते हैं. ओके, और जैसे एनिमल वाले माउस को टेल है, वैसे कंप्यूटर माउस को वायर है. ओके, उसका वायर है तो वो भी उसकी टेल जैसा दिखाई देता है, इसलिए ये कंप्यूटर के पार्ट को हमने बोला है माउस. कौन सा माउस? फ्रेंडली माउस. ओके, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द माउस. इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम द एनिमल माउस. ये जो माउस है उसको नेम एनिमल वाले माउस से मिला है. दिस इज बिकॉज दे बोथ लुक सिमिलर, क्योंकि ये दोनों सिमिलर दिखाई देते हैं इसलिए. नाउ द कंप्यूटर माउस वायर लुक सिमिलर टू द एनिमल माउस टेल. ये जो कंप्यूटर का माउस है उसका जो वायर है, ओके, वो वायर कैसा दिखाई देता है? माउस की टेल जैसा. जो एनिमल वाला माउस है उसकी टेल जैसा दिखाई देता है. द शेप ऑफ देयर बॉडी ऑल्सो लुक सिमिलर, और उनका जो बॉडी है वो भी आपको थोड़ा सिमिलर जैसा ही दिखाई देगा. लेट्स लर्न हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर माउस. चलो अब हम लर्न करते हैं ये माउस का हम यूज़ कैसे करेंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, माउस पॉइंटर. फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट माउस पॉइंटर. जब भी आप माउस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करोगे तो उससे क्या होगा, आपको स्क्रीन पर एक एरो दिखाई देगा, और वो एरो क्या होगा? माउस का पॉइंटर. We have learned earlier that the mouse is used to move around on the computer and select different things on the screen. सबसे पहले क्या होगा, जब भी हम माउस का यूज़ करेंगे और उसको मूव करेंगे, यानी कि आपकी जो स्क्रीन होगी उस पर रोटेट करेंगे, तो आपको वो एरो दिखाई देगा. एंड विद द यूज़ ऑफ माउस यू हैव द सिलेक्ट डिफरेंट थिंग्स ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर जो फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स या आइकन होंगे, डिफरेंट थिंग्स होगी, उसको आप सिलेक्ट भी कर सकते हो. द एरो दैट वी सी ऑन द मॉनिटर, और जो एरो हमें दिखाई देगा, ऐसा एरो दिखाई देगा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर. ओके, तो वो एरो जो हमें दिखाई देगा मॉनिटर की स्क्रीन पर, विच मूव व्हेन वी मूव द माउस. तो जब भी हम माउस को मूव करेंगे, यानी कि उसको हिलाएंगे, तो ये एरो है वो भी स्क्रीन पर मूव करेगा. इट कॉल द पॉइंटर, और ये जो एरो आपको दिखाई देगा, वो एरो को हम बोलेंगे पॉइंटर. क्या बोलेंगे हम? पॉइंटर. तो इसके नीचे आपको क्या करना है? अंडरलाइन. ओके, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. द पॉइंटर चेंजेस इट्स शेप इन सर्टेन केसेस, और ये जो पॉइंटर आपको दिखाई देता है वो अपना शेप चेंज करता है, यानी कि जब भी हम डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसका जो शेप होता है वो चेंज होता है. इन सर्टेन केसेस, लेट्स हैव अ लुक. चलो अब हम देखते हैं. सबसे पहले नॉर्मल पॉइंटर, ये जो है वो नॉर्मल पॉइंटर है. जब भी आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो आपको ये जो एरो दिखाई देगा वो ऐसा होगा. ओके, और उसका यूज़ क्या है? यूज टू सिलेक्ट एंड मूव ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन. हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव भी कर सकते हैं. ओके, फिर ऐसा वाला एरो है वो जब आई आइकॉन में बन जाएगा. ये क्या है? आई. तो जब भी आपका एरो है वो ऐसा आई वाला बन जाए, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर टाइपिंग टेक्स्ट, यानी कि आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे आपका नेम, सरनेम, ओके, आपका क्लास, सब्जेक्ट, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी टेक्स्ट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जाम्पल, ये टैक्स है, तो जब भी आपका माउस है वो टैक्स के ऊपर लाओगे तो उसका आइकन ऐसा बन जाएगा. ओके, यूज़ वाइल टाइपिंग टैक्स ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर जब भी आपको टैक्स टाइपिंग करनी होगी तो आपका आइकन एरो में से क्या बन जाएगा? आई आइकन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कर्सर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कर्सर बोलेंगे. ओके, जो माउस का एरो होता है उसको हम पॉइंटर भी बोल सकते हैं और उसको हम कर्सर भी बोल सकते हैं. देर आर टू नेम्स ऑफ अवर माउस पॉइंटर. नंबर वन इज पॉइंटर एंड नंबर टू इज कर्सर.
Now come on the next page. Now number third. Number third is ऐसा जब भी आपको दिखाई दे यानी कि एरो एंड उसके ऊपर क्या होता है प्रोसेसिंग एरो. ओके ये जो सर्कल है उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग. मीन्स दैट द कंप्यूटर इज बिजी डूइंग सम टास्क एंड वी नीड टू वेट. ऐसा जब भी आपको दिखाई दे एरो के ऊपर ऐसा सर्कल तो यानी कि जो कंप्यूटर है वो बिजी है. उसका कोई भी एक सम जो टास्क होता है वो टास्क के लिए क्या है बिजी है. ओके एंड वी नीड टू वेट. हमें थोड़ी देर वेट करना चाहिए. जब भी हम पेन ड्राइव लगाए दे उसमें से कोई भी इमेज वीडियो और कोई भी अनदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं आइकन फाइल या फोल्डर उसको एक प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करे तो आपको ऐसा आइकन दिखाई देगा कर्सर दिखाई देगा. नाउ ऐसा एरो हैंड. ओके आपको हैंड दिखाई देगा. जब भी आपका एरो है वो ऐसे हैंड में कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या होगा एक क्लिक करने का बटन या लिंक होगी. ओके जब भी आप कोई बटन या लिंक पर आपका माउस का एरो ले जाओगे तो वो एरो में से क्या बन जाएगा ऐसा हैंड बन जाएगा. ओके और फिर आप वो बटन या लिंक को क्लिक कर सकते हो. हैंड मीन्स दैट वी आर पॉइंटिंग एट समथिंग दैट कैन बी क्लिक. ओके दिस कैन बी अ बटन और लिंक. जब भी आप कोई बटन या लिंक के ऊपर आपका माउस का एरो ले जाओगे तो वो किस में टर्न हो जाएगा हैंड में. नाउ लास्ट वन रेड सर्कल एंड क्रॉस एरो मीन्स दैट वी कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्शन विद द माउस ऑन दिस ऑब्जेक्ट. हम क्या कर सकते हैं जब भी हमें ऐसा माउस का एरो है वो ऐसे रेड कलर में चेंज हो जाए और उसमें क्रॉस आ जाए तो हम क्या करेंगे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. यानी कि हमें वहाँ वेट ही करना पड़ेगा और वहाँ पर हम कोई भी क्लिक डबल क्लिक राइट क्लिक या और कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्शन. हम कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन माउस बटन्स. How many mouse buttons are there? There are two buttons. Okay? A mouse has two buttons. कितने buttons होते हैं mouse के ऊपर Two buttons. To be click, जिससे आप कोई भी फाइल या फोल्डर को क्लिक कर सकते हो And a wheel between two buttons. और क्या होता है One wheel होता है. वो wheel कहाँ होता है टू बटन्स के बीच में होता है. ओके तो माउस के ऊपर कितने टोटल होते हैं पार्ट्स माउस के थ्री पार्ट्स होते हैं तो थ्री पार्ट्स में टू बटन्स होते हैं और वन व्हील होता है. ओके हाउ मेनी बटन्स आर देयर टू बटन्स. ओके टू बटन्स एंड अ व्हील. ओके टोटल थ्री पार्ट्स आर देयर. लुक एट हियर बिलो इन अवर फिगर देयर आर टू बटन्स गिवन इन द पिक्चर. ओके वन एंड टू बटन्स और जो बीच में होता है उसको हम बोलेंगे विल. क्या बोलेंगे विल. लेट्स हैव अ लुक. नंबर फर्स्ट क्लिक. क्लिक इज द टर्म यूज टू प्रेस द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस. जब भी आप माउस का लेफ्ट बटन है उसको आप क्लिक करोगे यानी कि उसको एक बार प्रेस करोगे तो उसको हम बोलेंगे क्लिक. ओके नंबर नेक्स्ट राइट क्लिक इज द टर्म यूज टू प्रेस द राइट बटन ऑफ द माउस. ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है तो उसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्लिक. पर जब भी आप माउस की राइट साइड को प्रेस करोगे तो उसको हम बोलेंगे राइट क्लिक. तो टू बटन्स हुए ना लेफ्ट बटन एंड राइट बटन. लेफ्ट बटन को आप क्लिक करोगे तो उसको हम बोलेंगे क्लिक. पर जब आप राइट बटन को क्लिक करोगे तो उसको हम बोलेंगे राइट क्लिक. नाउ स्क्रोल. स्क्रोल इज द टर्म यूज टू रोल द व्हील अप और डाउन. यहाँ पर जो आपको स्क्रोल व्हील दिखाई देता है उसको आप क्या कर सकते हो अप एंड डाउन प्रेस कर सकते हो. दिस हेल्प अस टू मूव अ पेज अप और डाउन. और इससे आप क्या कर सकते हो कोई भी पेज है जिससे आप यहाँ पर स्क्रोल व्हील है उसको रोटेट करोगे तो आपका जो पेज है वो आप अप एंड डाउन साइड मूव कर सकते हो. ओके जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में करते हो उसमें गैलरी ओपन करते हो तो बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं आपके फ़ोटोज़ होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा फोटोज होते हैं तो आप क्या करते हो अपने फिंगर से उसको स्क्रोल करते हो. तो वैसे ही माउस का ये जो स्क्रोल व्हील है उसको आपको हैंड से ऐसे फिंगर से प्रेस करना है. ओके उसको रोटेट करना है तो आप अप एंड डाउन प्रेस करोगे तो आपका पेज है वो भी अप एंड डाउन मूव होगा. ओके सो देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर.
total 3 parts: left button, right button and scroll wheel. Okay, but how many buttons are there? 2 buttons, left button and right button. Okay, and 1 scroll wheel. Total 3 parts hai. Kitne parts hai? Total 3 parts hai. Aur 3 parts mein kya hai? 3 parts mein 2 hai, wo kya hai? Button hai. Kya hai? Button. Aur 1 kya hai? 1 hai wo scroll wheel hai. Okay, scroll wheel hai. Total 3 parts hai, 1, 2 and 3. Usme se 2 buttons hai. Okay, now turn the page. Last point of our lesson: using the mouse the right way. Hame mouse ka kaise use karna chahiye aur uska right way kya hai? Just like we have our own desk and chair in the classroom to sit, the mouse also has its own seat. Jaise aap apne classroom mein baithne ke liye bench hoti hai na, वैसे ही माउस के रखने के लिए भी एक सीट होती है. ओके, उसकी ओन सीट होती है. दिस इज कॉल्ड माउस पैड. जिसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे माउस पैड. ओके, तो माउस को जिसके ऊपर हम रखेंगे वो स्क्वायर बॉक्स वाले पैड को हम बोलेंगे माउस पैड. क्या बोलेंगे उसको? माउस पैड. अगेंस्ट, जस्ट लाइक वी ऑलवेज फेस द ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम. और जैसे हम ब्लैक बोर्ड के सामने बैठते हैं, है ना? आप कैसे बैठते हो? आप ब्लैक बोर्ड के सामने फेस करके बैठते हो क्लासरूम में. द बटन्स ऑफ द माउस ऑलवेज फेस टूवर्ड्स द कंप्यूटर. तो वैसे ही कंप्यूटर के जो बटन्स होते हैं वो कंप्यूटर के सामने होने चाहिए. ओके, और उसका फेस रखना चाहिए कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन के सामने. जो कंप्यूटर के बटन्स होते हैं उसका फेस रखना चाहिए, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है. सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द मॉनिटर, दिस इज कीबोर्ड एंड दिस इज माउस एंड दिस इज माउस पैड. तो हमें माउस को कैसे रखना चाहिए? यहाँ पर उसके बटन्स होते हैं तो उसको मॉनिटर के सामने रखना चाहिए. ऐसे उल्टा करके रखना चाहिए नहीं. ओके, नाउ एक्सरसाइज टाइम. In our next video, we have to do exercise. Bye bye, kids.